नमस्कार दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत अनुपमा ने हंसते हुए की। वनराज अनुपमा से पूछते हैं कि उसने ऐसा किया क्या है। वहां काव्या चौंक खड़ी हो जाती है, वो रंग छोड़ देती है और वनराज के वचन को याद करती है। नशे में धुत अनुपमा अभिनय अजीब रखती है। वनराज ने अनुपमा को हंसने से रुकने के लिए कहा। अनुपमा कहती है कि वो जो कुछ भी कर रही है वो ऐसा 25 वर्षों से करना चाहती थी और वो जोर जोर से हंसती है। वनराज हैरान रह जाता है। वहाँ काव्या ने शाह को अनुपमा के बारे में सूचित किया कि वो वनराज के कमरे में है। वे अनुपमा की तलाश कर रहे थे। राखी आश्चर्य करती है कि काव्या भांग पर हाई क्यों नहीं हुई। उसे लगता है कि काव्या के पास ड्रिंक नहीं थी। बाद में वनराज अनुपमा को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। नशे में धुत अनुपमा को देखकर शाह कांप जाते हैं। राखी डिकोड कर पाती है कि अनुपमा ने ड्रिंक पी रखी है। बाद में नशे में धुत अनुपमा अपना दिल बहलाती है। वो बताती है कि कैसे लीला उसके पैर छूने के लिए आने पर भी उसे हर बार डांटती थी। अनुपमा बोलती है कि लीला ने उन्हें कभी आशीर्वाद नहीं दिया। यहाँ लीला आंसू बहाती है। अनुपमा हंसते हुए कहती है कि लीला ने कभी भी अपनी बहू को नहीं माना। वो लीला को बताती है कि जब भी वो उसे डांटती थी तो वो रोती थी, लेकिन किसी को पता नहीं चलता था। अनुपमा लीला से कहती है कि उसने उसके साथ जो कुछ भी किया वो उससे प्यार करती है। वो लीला के लिए कहती है कि जिस तरह वो रोई थी जब डॉली की शादी हुई थी, तब वो और रोएगी जब वो घर छोड़ देगी। अनुपमा इस पर हंसती है और लीला से कहती है कि आज वो उसे झूले पर बिठाएगी और उसका आनंद लेने में मदद करेगी। लीला झूले पर बैठती है। इधर काव्या को वनराज और अनुपमा के पल के बारे में सोचकर गुस्सा आता है। दूसरी तरफ अनुपमा हसमुख के पास जाती है और उससे कहती है कि उसे एक शिकायत है। वो हसमुख से कहती है कि वो जानती है कि वो घर में शांति चाहती थी, लेकिन गलत और शांत देखकर घर में शांति नहीं आती है। अनुपमा ने हसमुख से कहा कि जिस तरह से वो अब उसका समर्थन करते हैं, उसी तरह से अगर वो लीला को भी अपनी पढ़ाई छोड़ देने के बाद समर्थन करते तो कोई भी उसे अनपढ़ नहीं कहता। अनुपमा हंस पड़ती है। हसमुख ने हाथ जोड़कर अनुपमा से माफ़ी मांगी। नशे में धुत अनुपमा उससे कुछ पूछती नहीं है। वहाँ नंदिनी ने काव्या पर वनराज के कमरे के अंदर झांकने का आरोप लगाया। काव्या नंदिनी के इल्ज़ाम से भड़क जाती है और उसे थप्पड़ मार देती है। इसके अलावा अनुपमा स्वीटी के पास जाती है और कहती है कि वो उससे प्यार करती है। वो कहते हैं कि बच्चों को माता पिता के साथ गुस्सा करने का अधिकार है, लेकिन माँ को गुस्सा करने का भी अधिकार नहीं। अनुपमा कहती है कि सभी समर को अपना पसंदीदा मानते हैं क्योंकि वो उसे समझती है। वो कहती है कि समर ने उससे वादा किया था कि वो फिर से महाशिवरात्रि की गलती नहीं दोहराएगा। अनुपमा हंस पड़ती है और काव्या किसी भी कीमत पर वनराज को हासिल करने की कसम खाती है। और इसी के साथ दोस्तों हमारा आज का एपिसोड ख़त्म हो जाता है। आज के लिए केवल इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि हमारी अपडेशन लगातार आपको मिलती रहे तो आप हमारे YouTube चैनल दैनिक उजाला को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दैनिक उजाला।